मकर संक्रांति पर्व पर देवीश्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर में संचालित कामधेनु गौशाला में जिन्हें निवासी दिनेश भोलाराम तवर ने माता पिता से गौमाता का पूजन पंडित दिनेश शर्मा द्वारा संपन्न कराया। तवर परिवार द्वारा कामधेनु गौशाला में गौमाताओं के चारे के लिए 25,000 रुपए का चेक समिति को सौंपा गया। इस अवसर पर गौशाला समिति अध्यक्ष राजन सिंह मंडलोई, उपाध्यक्ष मुकेश पटेल मौजूद थे। सेगांव से जितेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। द्वारा गौशाला सेगांव में एक दान राशि दी गई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम श्री लालबाई फुलबाई माता मंदिर में हमेशा आते रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी आस्था है और मैं सभी भक्तगणों से कहूँगा कि आस्था हमेशा मेरी बनी रहना चाहिए। और आज हमने हमारे मम्मी पापा की ओर से गौदान करवाया है, जिसमें हमने 25,000 रुपये की राशि गौ माता के चारे के लिए अर्पित की है कामधेनु गौशाला में। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पावन पर्व पे, जो आज मकर संक्रांति है, हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा पर्व है, हम इसमें आए, आज हमने गौदान किया है मम्मी पापा की ओर से। हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सुख शांति रहे और गौ माता को हमारे वास्ते जो भी हो सके, हमने जो राशि दी है वो तो एक तुच्छ राशि है, पर जो भी सहयोग हुआ हमारी ओर से, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और हम जो भी अच्छे से अच्छा कर सकें हम अवश्य करेंगे। और मैं पूरी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने इतना आदर सत्कार किया और हमें सही मार्ग दिया। और मैं यही प्रार्थना करूँगा सभी सदस्यों से कि हमें समय समय पर जो भी जानकारी हमें देते रहिए, और जो भी सहयोग होगा मैं अपनी ओर से करूँगा, जितनी मेरी हैसियत है उससे बढ़कर करूँगा मैं। और बस यही चाहूँगा मैं कि गाँव माता के लिए जितना भी मुझे सेवा का अवसर मिले मैं समय समय पर अवश्य दूंगा मैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं दिनेश सिंह तवर, ग्राम झिन्या, तहसील झिन्या, जिला खरगोन, MP से आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।